नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कन्नौज रिपोर्ट, धर्मेंद्र सिंह। युवक का नलकूप के पीछे एक युवक का अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। मृतक के सिर पर मिले चोट के निशान, पहचान छुपाने के लिए शव को जलाया। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी। सदर कोतवाली के खुसटिया गाँव का पास मिला युवक का शव। खुसटियापुर गाँव में शव मिलने की जानकारी मिली है, क्या मामला है? थाना कोतवाली कन्नौज में खुसटिया गांव, जो कि पाल तिराहे के पास में ही है, यहां एक ट्यूबवेल के पास खेत में एक लगभग 20-22 वर्ष के युवक की डेड बॉडी मिली है, जिस पर मौके पर स्थानीय पुलिस भी आई और उच्चाधिकारीगण भी आए। मेरे द्वारा भी मौके पर ही मैं मौजूद हूं। डेड बॉडी की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आसपास के जो भी लोग गांव के आए थे, सभी लोगों ने देखा है और अभी पहचान नहीं कर पाए हैं। अब इसमें डेड बॉडी को हम लोग मॉर्चरी भेज रहे हैं और इसमें आगे इसकी पहचान के लिए सभी जगहों पर पेपर में और हर जगह इसका मैसेज भेजेंगे, और जैसे ही पहचान होती है फिर आगे इसमें हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर, सबको जलाने की कोशिश की गई? प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि डेड बॉडी को जलाने का, चेहरे को जलाने का प्रयास किया गया है जिससे शिनाख्त न हो सके, लेकिन फिलहाल चेहरा सुरक्षित है काफ़ी हद तक और उम्मीद है कि इसकी शिनाख्त हो जाएगी।